और ये देखिए मैंने आज मॉर्निंग के नाश्ते में क्या बनाया है। मैंने बनाया है चाय और ये ब्रेड पकौड़ा और ये बटाटा चिप्स। वो अभी चलते हैं नाश्ता करेंगे हम लोग सुबह सुबह अपना यही। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा ऑफिशियल। और आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैंने पहना है वाइट कलर का टी शर्ट और ये भी पहने हैं वाइट कलर का टी शर्ट। ये कहीं गए हैं अपने कुछ काम से और मैंने बाबू को भी पहनाया है टी शर्ट। मैं आपको दिखाती हूँ बाबू कितना अच्छा लग रहा है। और वो झंडा भी लिया है इस टाइम पे, ये देखिए। हाँ ये देखो हमारा झंडा, बोल दो कर दो। ये देखिए बाबू का टिकट कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे 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 ऐसे, हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो। देखो, और मैंने भी लगाया ये तिरंगे का बैच, बाबू भी लगाया था। बाबू दिखा रहा था अपना कि देखो मैं लगाया हूँ। मम्मा भी लगाई है बैच, बाबू भी लगाया है ना। तुम्हारा कहाँ है बाबू, तुम्हारा कहाँ है तुम्हारा? ये देखो बाबू का, बोलो मैं भी लगाया हूँ, मैं भी लगाया हूँ। देखो बाबू भी लगाया बैच, अपने बैच दिखा रहा है। और आज इंडिपेंडेंस डे पे कुछ स्पेशल बनाएंगे घर पे ही, और घर पे ही खाएंगे क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, तो कहीं आना जाना है नहीं। वैसे भी बनाएंगे घर पे और घर पे ही सेलिब्रेट कर लेंगे अपना सैंडविच। थोड़ा सा मैंने ये ब्रेड में सैंडविच मसाला लगा लिया है और भी इतना है। और यहाँ पे मैं ब्रेड कट करके रखी हूँ, तो चलती हूँ मैं बना लेती हूँ। और बेसन भी घोल के रखा है। और ये सैंडविच मेरा बन गया है, ये देखिए। ये देखिए कल का जो ये बर्थडे का डेकोरेशन किए थे वैसे ही है। फैन चालू करते हैं तब एक दो निकल के गिर रहा है, तो अभी उनको बोल देती हूँ ये निकाल के, इसको मतलब उसका हवा निकाल के रख देंगे और नेक्स्ट टाइम इसका बर्थडे रहेगा तो यूज हो जाएगा। जो बनाने वाली थी समोसा स्पेशल, क्योंकि अंदर खाने का मन भी बहुत कर रहा था, उसे कैंसिल हो गया है। तो ये गए थे बाहर, उनके फ्रेंड ने मिलकर कुछ खा के आए हैं अपना, तो मुझे बोला कुछ हल्का फुल्का बना ले। तो मैं चल रही बनाऊंगी टोमेटो राइस, क्योंकि अब क्या बनाऊँ मुझे समझ में आ ही नहीं रहा है मुझे अपने लिए। क्योंकि ये बोलिए मैं बहुत हल्का फुल्का खाऊंगा, बाकी कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा है मेरा। तो चल रही मैं टोमेटो राइस बनाऊंगी, मैं यहाँ से खाया है तो आज मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी टोमेटो राइस। तो चल रही मैं बना लेती हूँ। मैंने कांदा टमाटर कट करके रख लिया है और चावल भी मैंने भिगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए अभी मैंने कांदा काट लिया, टमाटर काट लिया है और चावल मैंने धो के भिगा के रखी हूँ। अब चलती मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर डाल दी हूँ तेल, तेल मेरा गर्म हो गया है। इसमें मैं डालूंगी तेज पत्ता और लौंग, लौंग से खुशबू अच्छी आती है इसलिए मैं लौंग डालूंगी। और इसमें डालूंगी मैं जीरा। इसको ब्राउन होने तक मैं पकाऊंगी अच्छे से। और यहाँ पे मेरा कांदा ब्राउन हो गया है अच्छे से। अब डाल दूंगी मैं इसमें टमाटर। और डालना है मुझे इसमें हरी मिर्ची, और डाल के इसको मैं ढक दूंगी थोड़ा, टमाटर गल जाए मेरा अच्छे से। और ये हरी मिर्च डाल दे रही हूँ मैं, दो हरी मिर्च कट किया है मैंने, वो डाल देती हूँ। ये देखिए टमाटर मेरे अच्छे से एकदम गल गए हैं और तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और 2 मिनट के लिए पका लूंगी मैं, उसके बाद डाल दूंगी चावल जो मैंने भिगा के रखी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक और पानी, ये मैं थोड़े से गरम मसाले।
मैं इसे ढक्कन लगा के पका लेती हूँ और दो सीटी लगाऊंगी मैं इसमें, ज़्यादा नहीं लगाना है। और मैंने यहाँ पे सीटी लगा दिया है अपना, ये देखिए। और ये देखिए मेरा टमाटो राइस रेडी है, टमाटो राइस बोलिए या टमाटो पुलाव बोलिए, तो ये मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं चलती हूँ, निकालती हूँ। और ये मैं यहाँ पे काटती हूँ हरा धनिया, इसे मैं डाल के ऊपर से गार्निश कर लेती हूँ तो खाने में और भी टेस्टी लगेगा। इसको मैं मिला लेती हूँ अच्छे से, फिर अपना खाना निकालती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया है, और मैंने अपना खाना निकाल लिया। चलती हूँ, इनको भी पूछूंगी, अगर अभी खाएंगे तो उनको भी निकाल दूंगी मैं। मैंने खाना निकाल लिया अपने लिए और इनके लिए भी, तो चलते हैं हम लोग खाएंगे खाना। और मैंने रायता नहीं बनाया था क्योंकि सब बोलते हैं कि रात का टाइम दही नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए भी नहीं बनाई थी। और सोची कि मैं अपने लिए क्या अलग से रायता बनाऊं, तो फिर मैंने ऐसे टमाटो पुलाव बना लिया है। तो चलती हूँ, मैं खा लेती हूँ। और ये कल का केक इतना बचा हुआ है तो ये भी हम लोग खाएंगे। और ये लाए हैं माजा, जो आधा ये पी चुके हैं और थोड़ा सा बचा है मेरे लिए, ये देखिए थोड़ा बचा है मेरे लिए, तो मैं पी लूंगी इसे खाने के बाद। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पास ये पहले का एक क्लिप पड़ा था, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और बाबू यहाँ पे बना हुआ है अन्ना, इसको मेरे बड़े वाले भाई ने इसको अन्ना बना दिया था। और अपने गले का ये माला वाला सब उसको पहनाया था, बोल रहा था कि देखो कैसा लगता है बाबू। हाँ नया लुक है, आप देखिए।